आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू नाउन। अगर आप लोगों ने नाउन की स्टडी जैसे की है तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ही इज अ कावर्ड, और आपको अंडरलाइन वर्ड कावर्ड का एंटोनिम बताना है। एक मिनट के लिए अपने माइंड में आप इसमें कंसिडर कीजिए, वॉट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वन। और आपके पास ऑप्शन है ब्रेव, ब्रेवरी, ब्रेव मैन एंड ब्रेवरी, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, ब्रेव मैन। अब इसमें आंसर आपका जो करेक्ट है बिल्कुल वो है ब्रेव मैन। और ये जानने के लिए कि इसे सी ऑप्शन सही क्यों है और ऑप्शन नंबर ए, बी और डी रॉन्ग क्यों है, चलिए देखते हैं। आपका जो ऑप्शन ए है इट इज ब्रेव, एंड ब्रेव की अगर वर्ड कैटेगरी की बात की जाए तो ब्रेव की वर्ड कैटेगरी है एडजेक्टिव, और इस ब्रेव का अगर अपोजिट मैं देखूं एंड द कैटेगरी मस्ट बी सेम। हम फिर से इस बात पे ध्यान रखेंगे, यदि हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें, कैटेगरी मस्ट बी सेम। नाउन जो है वो नाउन से कंपेयर होगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव के साथ आएगा, एडवर्ब जो है वो एडवर्ब के साथ आएगा, और इसी प्रकार से बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी वर्ड्स आपके जितने भी वर्ड कैटेगरी हैं उनमें सबके लिए रूल लागू है, वर्ड कैटेगरी मस्ट बी सेम। जिस वर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है उसी वर्ड कैटेगरी का आंसर होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ब्रेव एडजेक्टिव है, और जबकि जो कावर्ड लिखा हुआ है आप देख सकते हो कावर्ड के पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया है, और जब कभी हम आर्टिकल को यूज करेंगे तो वो अपने साथ डिमांड करेगा नाउन की, और यहां जो कावर्ड है इट इज नाउन। और अगर मीनिंग की बात की जाए तो कावर्ड का मतलब हुआ डरपोक व्यक्ति। तो आप देख सकते हैं यहां पे कावर्ड जो है उसकी वर्ड कैटेगरी है नाउन, और ये क्योंकि इसकी वर्ड कैटेगरी नाउन है ये अपने साथ नाउन की ही डिमांड करेगी, जिसका मीनिंग भी इसी के समान बिल्कुल सेम होना चाहिए। देखते हैं, फर्स्ट आपका ब्रेव है वो एडजेक्टिव है जबकि क्वेश्चन में आपकी नाउन दे रखा है, दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड वन आपका ब्रेवरी, ब्रेवरी जरूर इसमें आप कह सकते हो ये नाउन है, ब्रेवरी का मतलब है बहादुरी। अब आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन बी है ये भी नाउन है, क्वेश्चन में भी नाउन है, लेकिन बी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि बी यहां ऑप्शन जो है वो बात कर रहा है सिर्फ आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्रेवरी विच मींस बहादुरी, जबकि हमें आंसर चाहिए इसके आपका डरपोक व्यक्ति। इसमें आप देख सकते हो कि जो नाउन है आपके कावर्ड इसमें आपके डरपोक व्यक्ति का सेंस है, जबकि ब्रेवरी सिर्फ बहादुरी यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बता रहा है। जबकि हमने कहा कैटेगरी मस्ट बी सेम, अगर मैं बात करूं ब्रेवरी मींस बहादुरी के नाउन कौन सी कैटेगरी का नाउन है तो ब्रेवरी जो है ये आपके हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में, जबकि कावर्ड जो है वो कावर्ड यहां फंक्शन कर रहा है आपके कॉमन नाउन की तरह है। तो इसमें आपके कैटेगरी भी दोनों की नाउन में भी अलग अलग हो गई। अब यदि मैं बात करूं ऑप्शन सी पे तो सी में आप देख सकते हो इसका मतलब है बहादुर व्यक्ति, और आपके क्वेश्चन में है नाउन कावर्ड जिसका मतलब है डरपोक व्यक्ति। तो ऑप्शन आप देख सकते हो यहां कावर्ड का अपोजिट हो गया ब्रेव मैन, बिकॉज यहां कावर्ड डरपोक व्यक्ति को जबकि ब्रेव मैन बहादुर व्यक्ति को बता रहा है विच इज ऑल्सो नाउन। और ऑप्शन नंबर डी इसलिए गलत है क्योंकि डी है ब्रेवरी, और इसकी कैटेगरी की बात की जाए तो है ये आपके एडवर्ब। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए बी एंड डी आर रॉन्ग एंड सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये था आपका आज का नाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे, थैंक्स।